हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी जिसकी मदद से आप अपनी दसी हुई आंखों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आंखें अंदर की तरफ डसने लगती हैं, तो इससे हमारी अपीयरेंस काफी खराब हो जाती है और हमारे अंदर का कॉन्फिडेंट लेवल काफी कम होने लगता है। ऐसे में अगर हम अपनी आंखों को ठीक कर लें, अपनी हमारी आंखें जो अंदर धस रही हैं उनको ठीक कर लें, तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल फिर से हम गेन कर सकते हैं और हमारी आंखों की सुंदरता भी बढ़ाई जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सिंपल सी एक्सरसाइज जानने वाली हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी के लिए जो अपनी आईज को हेल्दी रखना चाहती हैं, जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं या फिर उन्हें अपनी आंखें धसी हुई महसूस। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखनी रहेगी। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सर्जरी, आई डिजीज से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारी आंखें दस क्यों जाती हैं। तो दरअसल हमारी आंखों में अगर हम पूरी तरीके से उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या फिर बहुत ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वर्क है, तो उससे हमारी आंखों में डिजिटल स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से हमारी आंखें हमें अंदर की तरफ जाती हुई महसूस होती है, या फिर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो उसकी वजह से भी आपकी आई स्ट्रेस होती है और वो अंदर धसी हुई दबी हुई स्ट्रेस महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो तो ये भी एक रीजन है आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल या फिर आपको अपनी आंखें अंदर धसी हुई महसूस होने का। तो आइए जानते हैं अब कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखों को धसी हुई जो आंखें हैं उन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने वाटर लेवल को, वाटर इनटेक को बढ़ाओ। वाटर इनटेक अगर प्रॉपर लोगे तो आपकी आंखें धसी हुई महसूस नहीं होगी। इसके अलावा आपको कोई भी विटामिन ई रिच ऑयल लेना है, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर आप एलिमेंट ऑयल भी ले सकते हैं। आपको एलिमेंट ऑयल की एक या दो बूंद लेनी है और अपनी आईलिड के नीचे और आईलिड के ऊपर उसको ऐसे लगाना है और ऐसे इधर की तरफ यानी कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आपको मसाज करनी है। बहुत हल्के हाथ से मसाज करनी है और ऑलिव ऑयल की एक या दो बूंद ही लेनी है। सेम आपको दूसरी आंख में रिपीट करना है। सेम प्रोसेस आपको अपर आई में भी, अपर आईलिड में भी करना है। ऐसा करने से आपकी आईलिड जो धसी हुई महसूस हो रही थी वो फिर से आप भी महसूस होने लग जाएंगी और आपकी आंख में जो विटामिन की कमी हो गई थी वो भी फुलफिल हो जाएगी और आपकी आंखें फिर से हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप दिन में एक बार कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर लो तो बेस्ट है, जिससे आपकी आईज स्ट्रेस फ्री हो जाए और आप आराम से सोएं और मॉर्निंग में आपको अपनी आईज हेल्दी महसूस हो और रिफ्रेश भी रहे। तो आप क्या क्या, अगर आपको डार्क सर्कल लग रहे हैं या फिर दसी भी महसूस हो रही है तो इसे आप जरूर करें। 15 डेज में ही आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होने लगेगा और उसके बाद में आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक कंटिन्यू करना है और आपकी आंखों की नेचुरल जो ब्यूटी है वो फिर से गेन हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप हमारी YouTube चैनल पर देख रहे हो तो हमारी YouTube चैनल को